कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर जिला जज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और 30,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि जुर्माने की धनराशि से 20,000 रूपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। दरअसल जूही के परमपुरवा कच्ची बस्ती की किशोरी को क्षेत्र का युवक जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई 2017 को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। तो वहीं 2 दिन बाद 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी अजय प्रकाश और विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि लव जिहाद के इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेज दिया था। किशोरी ने बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का बयान न्यायालय में दिया था। किशोरी के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है। फैसला एडीजे 13 महोदय ने किया है, पवन श्रीवास्तव जी ने। वहाँ हमारे अजय प्रकाश सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, एडीजीसी थे। ये मामला ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक जावेद नाम का व्यक्ति था जिसने मुन्ना बन करके एक लव जिहाद करते हुए उसको प्रेम पात ने फांसा, अपने आप को हिंदू धर्म नाम बताया मुन्ना, और उसके साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसको शादी का झांसा देते हुए उसका बलात्कार किया। जब बाद में जानकारी हुई उसके माता पिता को, तो माता पिता ने FIR लिखाई और पीड़िता बरामद होती है, पीड़िता को भगा के ले जाता है। पीड़िता जब बरामद होती है तो अपने 161 के 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने वह पुष्टि करती है कि मेरे साथ प्रेम प्रसंग का बहाना बना के अपने को मुन्ना नाम का बताते हुए और उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, अपने आप को हिंदू धर्म का बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।